इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के 39वें दिन भी लंगर जारी रहा। यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। 39वें दिन पानी पूरी का विशाल लंगर भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। हर साल की तरह पठानकोट रोड से लाई जाया साडा 13वां वार्षिक भंडारा अज 38 दिन प्रवेश कर रहा है। भोले शंकर की कृपा के नाल 40 दिनों में असी संपन्न कर देंगे। बड़िया संगत श्रद्धा के नाल आ रही ने। अज असी गोल गप्पे, सवेरे खीर, पूड़िया, छोले का लंगर लाया हुआ सी। संगत बड़ी श्रद्धा के नाल आ रही ने। असी यही आशा करते हैं कि जिदा सुरक्षित अपने यात्री अपने घर जा रहे हैं, अपने बच्चों के जान तो भंडारा बड़ी शांति दे नाल संपूर्ण हो गया है। सानू ये बड़ी खुशी है। असी शीतल वेद जी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। जेडे देवी तला मंदिर के प्रधान भी ने, दैनिक सवेरा के संपादक भी ने, उन्हों का सानू बहुत ज़्यादा सहयोग आ। वो हर थान से अपने रिपोर्टर भेज के साड़िया खबर देशों के अपनी यात्रा अगे वे वापसी भी इस तरह आते हैं। तो असं आशा करते हैं कि उन्होंने यात्रा मंगलमय हो, सुरक्षित आन, सुरक्षित अपने घर वापस जा।